बैल मुझे मार। ये कहावत दोस्तों मैंने सुनी तो थी लेकिन आज सच साबित होते हुए देखी है, जहां मंडे नाइट रॉ में कोडी ने अटैक किया लेसनर के ऊपर लेकिन उल्टा ही पिट गए हैं। इवन दोस्तों मेन इवेंट में बहुत सारा खून बहा, रोमन रेंस का दोस्तों एक शो में आना हुआ है कंफर्म और समर स्लैम का एक मैच हो गया है कैंसल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WIG और वीडियो को एंड तक जो देखिएगा। शुरू में कर दीजिएगा लाइक। बात की जाए दोस्तों सबसे पहले आज की रॉ की, आज की रॉ दोस्तों मेरे हिसाब से ऑल इन एवरेज से थोड़ा से ऊपर थी और गाइस इसके एंड में हमने जो कुछ देखा ना मेरे हिसाब से रेटिंग काफी अच्छी खासी आएगी। जहां दोस्तों आज की रॉ ह्यूस्टन से लाइव थी, हमने देखी सबसे पहले लोगन पॉल की एंट्री। लोगन पॉल दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे और प्रोमो काट रहे थे। लोगन पॉल दोस्तों ये चीज कहते हैं कि वो ब्रेन डेड लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहने के लिए नहीं आ रखे हैं, वो अपनी बात रखने आ रखे हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि रिकोशे को वो हराए समर स्लैम में, और यही बात वो कहने भी आ रखे हैं कि वो जो मैच रहेगा हिस्ट्री का सबसे वायरल मैच रहेगा और उसमें रिकोशे हारेगा। रिकोशे का नाम लिया गया था तो रिकोशे कैसे ना आता, रिकोशे आता है। और रिकोशे दोस्तों ये चीज़ कहता है कि देख लोगन पॉल इतनी सी बात है कि एज ए कॉम्पिटिटर आई रिस्पेक्ट यू, मैं तेरी काफ़ी इज्जत करता हूँ, हाँ हम दोनों एक बैंगर मैच वहाँ देने वाले हैं और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिस पर दोस्तों लोगन पॉल दिखाते हैं रॉयल रंबल की क्लिप जहाँ ये पहली बार एक दूसरे से भिड़े थे। लोगन पॉल ये चीज़ कहते हैं कि बेसिकली मैं वो चीज़ें करता हूँ जो तू करता है। काफ़ी भाईचारा इनके बीच हो गया था और इन्होंने फिस्ट बम भी कर लिया था, लेकिन फिर लोगन पॉल ने ये चीज़ कही कि मैं मैच के लिए तैयार हूँ और मैं उस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा जब जिस मोमेंट पर तेरी सो कॉल्ड माशूक यानी कि समंथा मेरा नाम लेगी एंड द विनर इज लोगन पॉल। जैसे उन्होंने चीप हरकत की वहां रिकोशे ने उनके ऊपर अटैक बोल दिया और उसके बाद दोस्तों चीज देखने को मिलती है रिकोशे आगे पीट पाते, आगे दोस्तों उनके ऊपर अटैक कर पाते कि वो नॉकआउट हो जाते हैं, ऊपर से कूद लगाया और गाइस लोगन पॉल ने उन्हें हवा में ही उन्हें मुक्का धर दिया और फिर बेचारे रिकोशे नॉकआउट हो गए। यहाँ लोगन पॉल ने सेल्फी ली। तो लास्ट वीक दोस्तों लोगन पॉल पीटे थे, इस हफ्ते दोस्तों रिकोशे पिट गए। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को गंथर ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि आज ड्रू मैकइंटायर नहीं है लेकिन आज उनका चेला खुद को प्रूव करेगा रिडल के खिलाफ। तो रिडल के खिलाफ दोस्तों काइजर का मैच था और यहाँ दोस्तों गंथर बाहर से हल्की फुल्की डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहे थे जिसका फायदा दोस्तों लुडविक काइजर को मिला और लुडविक काइजर के लिए काफी बड़ा मैच था ये, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इवेंचुअली वो एंड में जीत गए जिसके बाद गंथर ने उनके साथ हाथ भी मिलाया। तो गुरु चेला के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट यहाँ और मेरे हिसाब से लुडविक काइजर को काफी अच्छा WRO ने ट्रीट किया आज। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मैक्सिम धूपरी का मैच। तो गाइज ये जो मैच था वो हालांकि खिलाफ था और इसके अंदर दोस्तों काफी हाई स्टेक्स थे क्योंकि ये धूपरी का पहला सिंगल्स डेब्यू मैच था और इसके अंदर दोस्तों मैक्सिम धूपरी जीत गई। एंड में दोस्तों थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है वाइकिंग रेडर्स के तरफ से लेकिन उन्हें अल्फा अकेडमी टेकआउट कर देती है जहां चैड की तरफ से एक मूनसॉल देखने को मिलता है। अंदर दोस्तों हमारी मैक्सिम धूपरी अपना न्यू फिनिशर लगाई है जो कि दोस्तों थोड़ा थोड़ा दोस्तों आप कह सकते हैं रिवर्स चेयर जो रहता है दोस्तों, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके से शॉकिंग चेयर मूव रहता है, वो दोस्तों उन्होंने मारा है और पिनफॉल ले लिया दोस्तों वहाँ वल्हाला का। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस चैंपा का शिंसुके को डराना। बैक से चैंपा ने शिंसुके को कहा यार तू हमेशा मेरे मैचेस में आता है लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आज मैं तुझे ही फेस करने वाला हूँ और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। और यहाँ के यहीं किस्सा खत्म करने की बात करते हैं। बात की जाए होता क्या इसके बाद, जजमेंट एयरिंग के अंदर आ जाती है और गाइस इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मजा आया इस चीज को देखने में कि जनता कैसे डोमिनिक को ले रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों वहां रिया रिप्ली कुछ कहती है, फिर जो डेमिन प्रीस्ट है वो कहते हैं अपने मनिंदा बैंक विनर होने पर, फिन बैलर कहते हैं कि कैसे वो सैद को हराने वाले हैं। जैसी बारी आती है डोमिनिक की हर कोई उन्हें बू देता है और कुछ कहने ही नहीं देता है, जिस पर रिया रिप्ली ये चीज कहती है कि प्रिय डोमिनिक तुम काफी बढ़िया कर रहे हो, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हो, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करती हूँ, लोग करें ना करें। और रही बात मेरी ओपोनेंट की तो वो पता चल चुका है सबको कि मैंने रैक्वेल का क्या हाल किया, हमारे सामने जो भी टिका है उसे हमने इंजर्ड कर दिया, चाहे लिव हो चाहे ओवन्स हो, कि रैक्वेल की एंट्री हो जाती है। रैक्वेल ने आते ही सार दोस्तों
वहाँ अटैक कर दिया रिया के ऊपर, जहाँ दोस्तों हल्का फुल्का जजमेंट डे की तरफ से डिस्ट्रैक्शन हुआ, वरना रिया रिपली गंदी पिट जाती है। और इस डिस्ट्रैक्शन के चलते दोस्तों अब रैक्वल पिटने लगी और रैक्वल को दोस्तों फिर से री इंजर्ड कर दिया, उनकी टांग पर पीछे से हमला कर दिया रिया रिपली ने। और गाइज उसके बाद ऑफिशियल्स आकर वहाँ बचाते हैं रैक्वल रॉड्रिगोस को, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी ना वो था गाइज हमारे शिंसुके नाकामुरा का मैच। तो शिंसुके नाकामुरा का मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है और गाइज चैंपा को इस पर्टिकुलर मैच में उन्होंने वीआर रोलअप हरा दिया, ब्रॉन्सन रीड ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को गंथर जो है वो कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं अब चैड के खिलाफ, और चैड को चीज कह रहे हैं कि तुझे तो मैं 5 मिनट में ही हरा दूंगा। तो यहाँ एक और मैच कन्फर्म हो गया जिसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट। सच्ची बात बताऊं इस सेगमेंट में मजा आ गया है, और गाइज इसके अंदर वही चीज हुई जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई, आ बैल मुझे मार। लेसनर आए, लेसनर दोस्तों आज आने थे, रिटर्न उनका था, तो गाइज रिंग के अंदर जाते हैं वही स्टाइल में दोस्तों माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि आई एम NCAA चैंपियन, आई एम फॉर्मर UFC वर्ल्ड हेवेट चैंपियन, आई एम फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवेट चैंपियन। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोडी को मैं नस्ता नाबूद करने वाला हूँ डेट्रॉइट में, मुझे पैसा मिलेगा कोडी को पीटने का, एंड कोडी को पैसा मिलेगा खुद की तुड़वाने का, जिस पर दोस्तों वो कहते हैं कि बस यही मैंने बात कहनी थी, मैं चाहता हूँ कोडी मुझसे हाथ मिलाए और हम अपने मैच के लिए जाए। तो इसके बाद दोस्तों काउंटडाउन बिगन करते हैं, कोडी को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोडी आ जाते हैं 2 पे ही, और जिस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कोडी की तगड़े वाली एंट्री होती है, कोडी रिंग के अंदर आते हैं, सभी को लगा कि लेसनर अटैक करेंगे लेकिन लेसनर का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वहां दोस्तों दोनों के बीच में बहुत अच्छे से हैंडशेक होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जाते हुए लेसनर पर अटैक कर दिया पीछे से दोस्तों, कोडी रोड्स ने सुसाइड डाइव लगा दिया, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने पीटना स्टार्ट किया लेसनर को, लेसनर ने उल्टा ही उन्हें पीट दिया स्टील स्टेप पर, उन्हें दे मारा, और गाइज उसके बाद एक नहीं दो बारी स्टील स्टेप मारे लेकिन फिर भी कोड़ी खड़े हो जाते हैं, जिस पर लेसनर को गुस्सा आता है, जाते हुए लेसनर दौड़ते हुए आते हैं और तगड़ी वाली नी लगाते हैं, और उसके बाद उन्हें रिंग के अंदर डालते हैं। रिंग के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों उन्होंने एक तगड़े वाला दोस्तों F5 लगाया, और बेचारे कोड़ी से फिर उठा ही नहीं गया, और फिर वहां से लेसनर निकल गए। बैक स्टेज आकर कोड़ी ये चीज कहते हैं कि लेसनर मुझे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है, मेरा जबड़ा तोड़ सकता है, हाथ तोड़ सकता है, लेकिन जो ब्रूटैलिटी मैं लाऊंगा समर स्लैम में, मैं बस ये कहूंगा कि आतंक खत्म होने वाला है। तो आज दोस्तों गंदे पिटे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तगड़े वाला प्रोमो काटा है, बात की जैसे के बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था चैड का मैच। तो चैड वर्सेस गंथर हो चुका है बिगन, और सच्ची बात बताऊं इसके अंदर उल्टा गंथर की बेइज्जती होगी। 5 मिनट का काउंटडाउन था इसके अंदर रखा हुआ जैसे कि गंथर ने कहा था, और 5 मिनट तक दोस्तों चैड सर्वाइव कर गए, जिसके बाद दोस्तों विनर घोषित कर दिया जाता है गेबल को, और फिर गंथर कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैच को एक्सटेंड किया जाए, मैच को फिर एक्सटेंड किया जाता है, अब कोई टाइम लिमिट नहीं थी। इस बार ही दोस्तों जो हमारे गंथर है वो पॉप बम लगाकर जीत गए, लेकिन सच्ची बात बताऊं गेबल की परफॉर्मेंस सैल्यूट है। इसके बाद दोस्तों गंथर ने माइक पर ये चीज़ कही कि ड्रू मैकइंटायर को इस समर स्लैम में नानी याद दिलवाने वाले हैं, और फिर आगे से वो उसे चैलेंज नहीं करेगा। अब बात की जाए दोस्तों अगले सेगमेंट की, तो रोमन रेंज के दोस्तों में फ्लैशबैक दिखाए गए स्मैकडाउन से जुड़े हुए, जहां उन्होंने पीटा था जे उसको। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और चीज रोमन रेंज से जुड़ी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंफर्म की, उन्होंने चीज कही रोमन रेंज समर स्लैम से ठीक पहले कल होने वाले हैं दोस्तों पार्ट फर्स्ट टेक का, जहां दोस्तों इंटरव्यू देंगे, देखते हैं वहां रोमन रेंज क्या कहते हैं। लेकिन बात की जाए दोस्तों बैकी की, बैकी दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी है, जहां दोस्तों कॉल्ड आउट करती है ट्रिश को मैच के लिए। ट्रिश आती है, ट्रिश कहती है कि देख तेने अपॉर्चुनिटी पाई है लेकिन तेने जोई स्टार्क को धोखे से हराया है, और ऐसे में मैं तुम्हें अपनी मर्जी का टाइम दूंगी, तेरे कहने से कुछ नहीं चलेगा। जिस पर एडम पियर्स आ जाते हैं, एडम पियर्स कहते हैं कि देखो मैच होगा अभी के अभी, होगा अभी के अभी, इसी टाइम होगा, जिस पर दोस्तों हो जाता है इनका मैच भी। लेकिन मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों इसके अंदर जो हमारी जोई स्टार्क है वो इन्वॉल्व हो जाती है, मैच डीक्यू में खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बैके को तगड़ा पीटती है। इसके बाद दोस्तों ट्रिश बैकस्टेज आती है, जहां एडम पेयर्स एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हुए चीज कहते हैं कि देख तैने जो किया वो काफी गलत किया, वहां बैकी के साथ काफी गलत हुआ, बैकी को रीमैच जरूर मिलेगा और ये 2 वीक्स में होगा मंडे नाइट रॉ में, जिस पर ट्रिश दोस्तों वहां से मुंह बनाकर निकल जाती है। लेकिन इससे ये चीज साफ हुई कि समर स्लैम में
ट्रिश वर्सेस बैकी कैंसिल हो गया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने दिखी है वो था गाइस हमारी अपनी रोंडा राउजी का एक तरीके का दोस्तों ट्रेलर। तो इस ट्रेलर में चीज दिखाई जाती है, रोंडा कहती है कि शेना को मैंने अपनी चेली के तौर पर लिया था लेकिन शेना ने धोखा दिया। शेना ये चीज कहती है कि मेरा यूज किया रोंडा ने। कुल मिलाकर दोस्तों यहां दोनों काफी इमोशनल नजर आई, जहां दोस्तों जो सबसे घटिया बात कही एंड में शेना ने वो चीज कही कि मुझे बुरा लग रहा है उसकी बेटी के लिए क्योंकि मेरे काफी ज्यादा करीब है और ऐसे में वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी जो कि मैं उसकी माँ के साथ करने वाली हूँ। तो यहाँ हल्का सा दोस्तों बेबी फेस दिखाया गया है रोंडा को। और जो मैच कन्फर्म हुआ है दोस्तों समर स्लैम में, जो रूल्स है वो है MMA रूल्स। पहले लगा था ये दोस्तों एक केज फाइट रहेगी, ये दोस्तों एक तरीके का ऐसा मैच रहेगा जिसमें केज होगा, लेकिन गाइस ये पूरा का पूरा MMA रूल्स मैच रहेगा, यानी रेसलिंग में MMA, वो भी शायद से पहली बार WWE के अंदर। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सेथ एंड सेमी ने फेस किया हमारे अपने डेमियन एंड डोमिनिक को। मैच के शुरू में दोस्तों इन सब की भिड़ंत हो जाती, ब्रॉल हो जाती रैंप के ऊपर। इन द मीन टाइम दोस्तों मैच के एंडिंग सेगमेंट में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने सेथ है वो फायर्ड अप हो रखे हैं और गाइज उन्होंने तगड़ा वाला पीट रखा है सभी को। अब गाइज जो हमारे अपने डेमियन है उन्होंने अपना फिनिशर लगाया सेथ को कि गाइज उन्होंने फिन को कहा कि मुझे ब्रीफ केस दे, मैं कैशिंग करना चाहता हूँ। फिन ने यहाँ टाइम ले लिया, ये जो टाइम उन्होंने कुछ कह लीजिए 8-10 सेकंड लिए ना, इसी बीच सेथ ने गेम कर दिया, उन्होंने दोस्तों ब्रीफ केस के ऊपर सुपर किक कर दिया डेमियन प्रिस्ट को। सेमी ने किक आउट कर दिया दोस्तों हमारे अपने फिन को और बेचारे डोमिनिक की तो बेइज्जती होगी, उन्हें ब्रीफ केस लगा, रेफरी नहीं देख पाए ये सारी चीजें। अब गाइज स्टॉम्प हो गया बेचारा डेमियन, मुंह से निकल गया खून। सेथ रॉलिंस ने यहां मैच अपने नाम कर दिया, सेथ एंड सेमी जीत गए, लोगों की चैंट और इस तरीके से रॉ हुई है खत्म। तो जजमेंट डे के बीच में दोस्तों अभी भी दरारे से पता चलता है और कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके की एंडिंग थी काफी खुनम खान थी, डेमियन के मुंह से खून निकल रहा था, सेथ काफी मुस्कुरा रहे थे, सेमी पम्प्ड अप, रॉ हुई खत्म। कुल मिलाकर मजा बहुत आया। और गाइस बात करूं रॉ की, रॉ के अंदर आज सब कुछ अच्छा था। आपको आज की रॉ में कौन सा बंदा मिसिंग लगा और कौन सा बंदा दोस्तों आप चाहते थे कि रॉ में हो, कमेंट डाउन में। वीडियो आज की इतनी सी, लाइक जरूर कीजिएगा, नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।